टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जिस घड़ी की इंतजार कर रहे थे, मेरे पीछे बैकग्राउंड से आप समझ भी गए होंगे मैं बात किस पर करने वाला हूं। बात आपके भविष्य की करने वाला हूं, बात आपके सपनों की करने वाला हूं, बात आपके उस स्वर्णिम भविष्य की करने वाला हूं कि जिसको लेकर के आज आप 5 वर्षों से लगातार प्रतीक्षारत हैं। उन प्रतीक्षा का फल प्राप्त हुआ है। विगत 4 महीने पहले भी आया था, विज्ञापन आया था, लेकिन किसी कारणवश वह स्थगित हो गया। मेरा अपना मानना है कि जो होता है वह सही होता है और ईश्वर खुदा अल्लाह जो भी हैं वह अच्छा करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, और इसी संकल्पना पर यह पुनः विज्ञापन आया है। अच्छा विज्ञापन आया है, प्रक्रियाएं भी अच्छी हैं, तेज होंगी और आपको कम समय में ही अपनी मुराद पूरी होने वाली है। लेकिन ये जो बहार आई है, एक मुझे गाना याद आता है कि बहारों फूल बरसाओं मेरा महबूब आया है। महबूब का सेंस ये है कि वह जो आपके जीवन को सार्थक बनाता है, आपको जीवन को स्वर्णमयी बनाता है, आपको जीवन को एक दिशा देता है, आपके जीवन में एक परिवर्तन से जो एक स्थिति है उससे हटा करके दूसरी स्थिति में पहुंचाता है, उसको हम दूसरे रूपों में आपको प्रस्तुतीकरण का जो हमारा माध्यम है वह यह है कि आपको जिसका इंतजार है वह आया है। लेकिन इस बहार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहार आने से आपके अंदर बहार आ जाएगी और आपको बहार का आनंद आ जाएगा। बहार के पीछे कितनी अथक परिश्रम है, इस परिश्रम को आप भी समझते हैं और इस परिश्रम को मैं भी समझता हूं। हमारा संस्थान इसमें टीजीटी पीजीटी को लेकर के प्रतिबद्ध है और अपने उद्देश्य पर कार्य कर रहा है। आप ये जानते हैं कि आज हो सकता है कि कोई बहुत सारे ऐसा, मैं नहीं कहता, आप एक चुनाव करिए और मेहनत से लगिए, कहीं का चुनाव हो बेहतरीन होना चाहिए और अपनी मेहनत अपनी पूरी ऊर्जा को अगर आप समर्पित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप जानिएगा आपके कदम को सफलता चूमेगी, अन्यथा 5 वर्ष कुछ होने वाला नहीं है। यह भी आप जान लीजिए, बड़ा अस्पष्ट बात है कि कल आएगा पुनः आएगा, ऐसा होगा नहीं, गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आएगी पुरानी गवर्नमेंट ही आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट होती है 5 साल में एक भर्ती ही पूरी करती है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। और ये अगर 5 साल यह माध्यमिक ने दिया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग लेकर के इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपके जीवन को संवारने के लिए अगर दिया है तो निश्चित तौर पर यह आपका परम और नैतिक कर्तव्य होता है कि आप अपने उस लक्ष्य को निर्धारित करिए और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत की अवधारणा को संकल्पित करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करिए। कहीं आप पीछे न छूट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस भीड़ में, इस भीड़ तंत्र में पिछड़ जाएं, ऐसा ना हो। अब बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि आप चुनाव करके कर चुके हैं, अच्छी चीज है, नहीं किए हैं करके और लग जाइए, अपने स्वप्न को साकार करिए, अपने माता पिता के खुशी को पुनः जागृत करिए, उनके जीवन को बढ़ा दीजिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसी बच्चियां हैं कि जो उनके माता पिता इसी आस में हैं और लेकिन उस आस को आस बनाने के लिए यह आपका, आपको फना होना पड़ेगा, आपको विलीन होना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सफलता। सफलता यूं ही नहीं मिलती है कि इतनी वैकेंसी आई, इतनी वैकेंसी आई, हिंदी में इतना वैकेंसी है,
इसके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। फाइट हमेशा रहेगी, हर युगों में रहा है, हमेशा रहेगा, चाहे वह वैकेंसी कितनी भी आ जाए, लेकिन फाइट है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, वह आगे मिलेगा उसको। जो नहीं, सिर्फ रटने से नहीं होने वाला है कि हम रट लेते हैं हमारा, हम जो है इतनी वैकेंसी, बहुत सारे लोग तो इस जश्न में भी डूबे होंगे कि वैकेंसी आ गई, अब क्या, आ गई, इससे होने वाला कुछ नहीं है। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। कर्म की ताकत ऐसी होनी चाहिए कि वह बोलना चाहिए, मुख की ताकत नहीं, गले की ताकत नहीं कि गले से हम बोलते हैं। हमेशा अपने कर्म, इतना कहा जाता है कर्म इतने चुपके से करो कि सफलता शोर मचा दे। और कर्म की यह अवधारणा होती है कि वह कर्म अगर सही दिशा में, सही समय पर, सही माध्यम से किया जाए, सही गाइडेंस में किया जाए, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी और आपका जो कर्म है वह बोलेगा। जिस कर्म को जितना मौन से करेंगे, जितना मौन रूप धारण करके अपने लक्ष्य को अपने लक्ष्य को स्थापित करके, लक्ष्य को निर्धारित करके जितना ही मौन रहेंगे, उतना ही निश्चित तौर पर जानिए आपके आने वाला जो भविष्य है, जो भी 4 महीने 5 महीने का आपका भविष्य है, वह निश्चित तौर पर डंका बजाएगा, नाद करेगा, शंखनाद होगा और शंकर की डमरू का यह गुंजायमान होगा, ऐसा होने वाला है। तो बस आप करिए क्या, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। अगर आपको ये जो है, मैं आपके हिंदी का शिक्षक हूं, यानी आपको मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, इसमें हम आपसे बात करेंगे, मेरे यहां ये व्हाट्सएप एंट्री टीजीटी पीजीटी लिख करके, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखिए और लिख करके, यानी इस पर आप एंट्री कर दीजिए, यानी सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप पर सेंड करिए, हमारी टीम आपके पास मैसेज पहुंचाए, मैसेज के द्वारा आपसे संपर्क करेगी, पूरा उसमें डिटेल रहेगा। और अगर आपको यहां से संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक, ये सभी नंबर आपको उपलब्ध मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि बीजी जा सकता है, लेकिन आपका कॉल लगेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर चल रहे होंगे, इन नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग, ये तो आपकी जानकारी के लिए हुआ, लेकिन हम लोग जो है आज किसी टॉपिक पर बात करते हैं, उस टॉपिक को लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरा अपना एक मोटिव होता है, अपनी, हर विद्वान है अलग अलग अपनी शैली होती है, यहां थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता लेकिन थोड़ा सा भिन्न है, बहुत ज्यादा चिल्लाने की आदत नहीं है, नहीं एकदम डंका पीटने की आदत है कि ऐसा होगा वैसा होगा। हम इतना मानते हैं कि अगर आपके साथ न्यायपूर्वक और सही दिशा में प्रयास करते हैं, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है, तो इसलिए आपको अपनी सफलता की जिम्मेदारी अपने से लेनी भी पड़ेगी। मेरा दायित्व, ये निश्चित तौर पर ये मेरा दायित्व है कि जो मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, चाहे वह आपको प्रिंटेड होगा या हैंड रिटेन होगा, तो वो सारे कंटेंट के अंतर्गत ही आपको मिलने वाला है, आपको क्वेश्चंस वहीं से मिलने वाला है। तो इसलिए ये मेरा दायित्व होता है, ये मेरा नैतिक दायित्व है, ये मेरे ज्ञान की परीक्षा होती है, ये मेरे अप्लाइड फॉर्म की परीक्षा होती है कि मैं जो पढ़ाता हूं उसके अंतर्गत ही आना चाहिए और ऐसा ही होगा, यह मैं कह सकता हूं। लेकिन ओवरऑल परीक्षा आपको देनी है, ये ध्यान रखिएगा, याद आपको करना है, मेहनत मेरे साथ साथ आपको भी करना है। अगर आप करते हैं तो यह टारगेट विद्यालय का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट और मैं पंडित अमरीश भट्ट, यह वादा दिलाता हूं कि आप टॉपरों की लिस्ट में रहेंगे, सिलेक्शन के लिए आप
रास्ता नहीं देखेंगे, सिलेक्शन के लिए आप पथ का इंतजार नहीं करेंगे, सिलेक्शन के लिए आपकी आंखें ये नहीं देखेगी कि होगा कि नहीं होगा। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और एग्जाम हॉल से निकलेंगे उसी दिन आप कह देंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा। यह कथन नहीं है, यह वचन नहीं है, यह वास्तविकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे बैच में पढ़ रहे हैं, हमारे पुराने बैच में वो एडमिशन लिए हैं, वह भी इसको देखेंगे, वह स्वयं ही आपको बता देंगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिकली वीडियो मैं जारी कर रहा हूं और पब्लिकली मैं कह रहा हूं, इसमें यह नहीं है कि किसी के ऊपर दबाव होता है, किसी के ऊपर ये कहा जाता है नहीं आपको ऐसा लिखना है, आपको ऐसा करना है। ये स्वच्छ एकदम विचारधाराएं हैं, पब्लिकली ओपन होती हैं और आपकी विचारधारा ही सर्वोपरि होती है, मान्य होती है। आइए हम आज कुछ जो है बात करते हैं, विषय को लेकर के बात करते हैं। आज मैं बात करूंगा, हिंदी पर आपसे बात करूंगा, यानी हिंदी विषय को लेकर के हम बात करते हैं, हिंदी को लेकर के बात किया जाएगा। हिंदी को लेकर के बात करते हैं, यहां मैं चूंकि सबसे पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए, हालांकि आप इससे अवेयर हैं, इससे आपको जानकारी से इस जानकारी से आप रूबरू होंगे, लेकिन एक नैतिक कर्तव्य भी है कि आप इसको जान लीजिए। जो टीजीटी है या जो पीजीटी है, आप ये जानते हैं कि पीजीटी यानी प्रवक्ता के लिए आपकी योग्यता पीजी स्तर पर हिंदी होनी चाहिए, अगर है तो आप निश्चित तौर पर एलिजिबल हैं, इसमें कोई प्रवक्ता में कोई दिक्कत नहीं है। प्रवक्ता के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आप वहां केवल पीजी स्तर पर वह सब्जेक्ट होना चाहिए और आप प्रवक्ता के लिए एलिजिबल होते हैं। दिक्कत कहां होती है? टीजीटी में होती है, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में होती है, जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं उसमें होती है। उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि आपको बीए में, जो आप बीए है उसमें हिंदी होनी चाहिए, यानी बीए में क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यानी ये तो आपको हिंदी है तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऐसा इसको सुन लीजिए, ये हिंदी आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि सर हिंदी मेरी 2 साल तक ही रही है, 3 साल तक नहीं रही है। वह अपने दिमाग में पहली चीज ये बैठा लें, ग्रेजुएशन कभी जो है 2 सब्जेक्ट से नहीं होता है, 3 सब्जेक्ट से होता है। और जब अपना वह प्रमाण पत्र देखेंगे तो तीनों विषय का उल्लेख रहता है। लास्ट में यानी 2 वर्ष में उन्होंने 1 सब्जेक्ट छोड़ा है और 2 सब्जेक्ट लास्ट में रखा है, तो इससे मतलब नहीं है कि हिंदी आपने 2 वर्ष पढ़ा है, कि 1 वर्ष पढ़ा है, कि 3 वर्ष पढ़ा है, कि क्या किए, बस हिंदी होना चाहिए। अगर बीए में आपका हिंदी है तो आप इलिजिबल हैं, यानी पहली योग्यता को आप पूरा करते हैं, पहली योग्यता को, चाहे 2 साल तक रहा हो या 3 साल तक रहा हो, इससे मतलब नहीं होता है, हिंदी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यानी हिंदी के साथ साथ आपको संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, संस्कृत होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदी भी लिया है बीए में और संस्कृत भी लिया है, तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वह अपना फॉर्म आराम से फिलअप करे और उसको कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो 2 वर्ष पढ़ा है चाहे 3 वर्ष पढ़ा है, वह हिंदी में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तीसरा सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन इन 2 सब्जेक्ट को लिया है, किसी भी वर्ष में लिया है, तो आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए तीसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री ले लिया है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये आप जान लीजिए कि अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो यह संस्कृत नहीं लिया हो, यह भी हो सकता है
कि वह क्या लिया हो, हिंदी लिया हो, और हिंदी के बाद मान लीजिए कि वह यहां पर जियोग्राफी ले लिया हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं, जियोग्राफी ले लिया हो। अब अगर जियोग्राफी लेना है और वह चाह रहा मैं हिंदी से दूं, तो चूंकि हिंदी आपका एक सब्जेक्ट से किया है, तो इसके लिए इसको यानी प्लस या तो अलग से बीए वह एकल सब्जेक्ट से संस्कृत से करे, नहीं तो इंटरमीडिएट में संस्कृत से वो फॉर्म भर के वह अगर उसके पास डिग्री यानी है एक सब्जेक्ट से इंटर से वो इंटर में संस्कृत के रूप में वह कर सकता है, यानी इंटर में संस्कृत से वो फॉर्म फिलअप करेगा और केवल उसकी संस्कृत की परीक्षा होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। अब वह हिंदी और संस्कृत का इसका कॉम्बिनेशन बन गया, भले ही वह इंटर में है, भले ही आप बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद आप संस्कृत इंटर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी करिए, लेकिन इंटर में संस्कृत आप इंटर से, इंटर में संस्कृत आपका हो जाना चाहिए एकल सब्जेक्ट से। अगर ऐसा है तब भी आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। तो आप जो है हिंदी के लिए अगर हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं तो हिंदी और संस्कृत रहना आवश्यक है, हिंदी ग्रेजुएशन लेवल पर, संस्कृत अगर ग्रेजुएशन लेवल पर है तो ठीक है, नहीं है तो इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए। अगर है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। ये आपकी रही योग्यता से संबंधित कुछ बातें रही जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, थोड़े से अपने विषय पर बात करते हैं, हिंदी को लेकर के हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो पूरे हिंदी जगत को अलग अलग विद्वान हैं और अलग अलग रूपों में इसका विभाजन किया है, लेकिन हम केवल कुछ प्रमुख विद्वानों को देखेंगे और उसमें ले करके थोड़ा सा आपको हिंदी को समझाने का हम प्रयास करेंगे। मैं बेसिक लेवल से लेकर के और हायर लेवल तक आपकी बात करता हूं कि ताकि वह भी लड़का जो एकदम कुछ नहीं जानता है वो भी हिंदी की समझ उसके अंदर पैदा हो जाए, और जब समझ पैदा हो जाती है तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। देखिए हिंदी का जो आगमन होता है वह लगभग जो है 1050 के लगभग आगमन होता है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, संबत में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, संबत में लिखते हैं। तो संबत में 1050 संबत से लेकर के हिंदी को कहते हैं कि यहां से हिंदी का आगमन होता है। अब 1050 में जब हिंदी का रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आगमन होता है तो यानी इसके पहले क्या चल रहा था, तो इसके पहले जो भाषा चल रही थी वो क्या चल रही थी, यानी मैं यहां हिंदी लिख देता हूं, हिंदी यहां से प्रारंभ हो जाती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अब इसके पहले क्या चल रहा होगा, तो इसके पहले बता रहे हैं इसके पहले अवहट्ट भाषा चलती थी, अवहट्ट चलती थी, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं, अवहट्ट चल रही है, तो इसके पहले क्या है, ये अपभ्रंश कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, अपभ्रंश चलती थी, इसके पहले भी क्या चलती थी, प्राकृत चलती थी, इसके पहले पाली चलती थी, इसके पहले संस्कृत चलती थी, यानी कि अब उन भाषाओं को हटा दीजिए जो चल रहा है उस समय से, उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ आज आपको हिंदी पर बात करना चाह रहे हैं और हिंदी को विभाजित करके हिंदी को आपको बताना चाह रहे हैं। यहां पर देखिए 1050 से लेकर के ये मानते हैं, यानी हिंदी प्रारंभ होती है तो इस हिंदी को विभाजन किया कितने भागों में, चार भागों में। हिंदी का जो विभाजन हो रहा है वो कितने भागों में हो रहा है,
चार भागों में हो रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही मैं मिक्स लेकर के चल रहा हूं, यानी आपको यहां पर पहला जो विभाजन हो रहा है वह किस रूप में हो रहा है, आदिकाल के रूप में हो रहा है। किसमें? आदिकाल के रूप में हो रहा है, यानी आपको यहां पर पहला ही विभाजन आदिकाल। चलिए दूसरा विभाजन किसमें होता है? दूसरा विभाजन जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति काल में होता है, यानी दूसरा विभाजन हमारा भक्ति काल में हुआ। तीसरा जो हम विभाजन करते हैं वह विभाजन, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही तीसरा विभाजन हम कहते हैं रीति काल के रूप में करते हैं, रीति काल, ठीक है, इस रूप में करते हैं। और चौथा जो हमारा विभाजन होता है, यह चौथा विभाजन किसमें होता है, आधुनिक काल में होता है, आधुनिक काल में होता है, ठीक है, आधुनिक काल यानी इस रूप में होता है, आधुनिक काल इस रूप में क्या होता है, विभाजन होता है। अब यहां जब इस रूप में विभाजन होता है, चार भागों में यह क्या हुआ, विभाजित हो गया पूरा हिंदी और अभी तक हो गया। तो ये जो आदिकाल चला, ये आदिकाल ये मानते हैं कि 1050 से लेकर के 1375 तक क्या चलता है, आदिकाल चलता है। यानी हम ये कहें कि 1050 संवत से लेकर के 1375 तक क्या चलता है, यह आदिकाल चलता है। बात समझ में आई? अगर इसको हम सन में निकालना होगा तो -57 कर देंगे। अगर हम सन जानना चाहते हैं तो 1050 में से -57 करेंगे तो 993 ईस्वी आ जाएगा। तो आप ईस्वी अगर निकालना चाहिए तो इसमें -57 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वह ईस्वी आ जाएगी, ठीक है। इसमें हम क्या संवत में लिख रहे हैं, तो आदिकाल 1050 से 1375 तक ये आदिकाल चलते हैं। तो भक्ति काल कब से कब तक चलता है, तो भक्ति काल ये बता रहे हैं कि 1375 से लेकर के 1375 से लेकर के 1700 तक क्या चलता है, ये संवत में चल रहा है, 1700 तक भक्ति काल चल रहा है। इसके बाद से यह जो रीति काल आ रहा है, और रीति काल कब से कब चल रहा है, यहां 1700 संवत तक यह चला, तो 1700 संवत से लेकर के 1900 संवत तक क्या चलते हैं, यह रीति काल चलते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद से आपके आ जाते हैं आधुनिक काल। तो 1900 संवत से लेकर के रामचंद्र शुक्ल ने 1984 तक माना है, लेकिन अन्य विद्वान जो है आद्य तक माने हैं, यानी अब तक माने हैं। क्या है? आद्य तक, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आद्य तक लिखिए, आद्य तक, हला रामचंद्र शुक्ल ने क्या 1984 तक माना है। ये आपके क्या हो जाते हैं, ये पूरा का पूरा हिंदी को चार भागों में क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया, और विभाजित करके इसको समझने का प्रयास किया गया। यहां की जो विचारधाराएं हैं, आदिकाल की जो विचारधाराएं हैं, यानी जो शुरुआत हो रहा है, अलग अलग नाम पड़ेगा। नाम कोई बीज बपन काल कहेगा, कोई सिद्ध सामंत काल कहेगा, कोई आदिकाल कहेगा, कोई वीरगाथा काल कहेगा, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। तो ये क्या है ना, अलग अलग नामकरण होगा। नामकरण पर हम बात आपसे करेंगे, ये सब सारी चीजें हम बताएंगे। आदिकाल से जब हम प्रारंभ हुआ हमारा, तो इस समय आप ये देखिए, लगभग जो है दिल्ली सल्तनत के पहले की ये बात हो रही है। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बात करें तो अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई है, तो नहीं हुई है यानी दिल्ली सल्तनत के पहले की ये बात हो रही है, और उसी के बाद और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी बीच में हो जाती है, यही तो बात हो रही है। अब ऐतिहासिक रूप से अगर देखेंगे तो जब यहां दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, यानी कि आप 1206 में
या दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है, इसी के बाद से कहानी यहां बदल जाती है। अब क्या होता है, अभी तक जो हम यशोगान कर रहे हैं अपनी राजाओं का, जो हम गुणगान कर रहे हैं, वह वीरता के रूप में उनकी वीरता का गुणगान कर रहे हैं, उनका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हैं, उनकी जो आदिकाल में हम जो बातें कर रहे हैं वह राज दरबार की बातें कर रहे हैं। तो ये क्या है, अभी पूरा का पूरा केंद्र जो है हमारा राज दरबार है, जनता नहीं है। साहित्य जो लिखा गया है वो राज दरबार के संदर्भ में लिखा जाने लगा है, यानी हम यहां पर पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या पाते हैं, राज दरबार में पाते हैं, ऐसा पाते हैं। तो जब राज दरबार से पाते हैं, अब यहां पर उनकी प्रशंसा आप पाएंगे, यहां उनका गुणगान कर पाएंगे, यहां उनका युद्ध का वर्णन पाएंगे, तमाम मंदिर मस्जिद आदि की संकल्पना यहां पाएंगे। तो यहां प्रशंसा हो रहा है, राजाओं की प्रशंसा हो रही है। अब यहां पर जब दिल्ली सल्तनत स्थापित भारत में हो जाता है, गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, गुलाम वंश हो जाता है, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, तुगलक वंश की स्थापना होती है, सैयद होते हैं, लोदी आती, यही तो बात आती है। लोदी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर क्या होता है, जीत जाता है। अब यहां पर भारतीय परिवेश में आपको मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ध्यान से समझिएगा कि पूरी की पूरी हिंदी को समझाने के लिए मैं हिंदी का ऐतिहासिक पहलू ले रहा हूं, तभी आपको पूरी बातें यहां समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर जब ये काल चल रहा है तो क्या आ रहा है, अब हमारे ऊपर आक्रमण होने लगा। हमारे ऊपर जब ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, यानी यहां पर एक प्रकार से जितने तुर्क वंशी हैं और वो जो है स्थापित जब होते हैं तो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। अब हमारे ऊपर जब आक्रमण करते हैं तो आप कहां जाएंगे, आपको कहां सहारा मिलेगा, आखिर कौन सी ऐसी, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आदिकाल से भक्ति काल तक ट्रांसफर होने में कौन सी ऐसी स्थिति आई कि आदिकाल से हम भक्ति काल की तरफ आ रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूं। तो ये स्थितियां कौन सी आ रही हैं, तो ये स्थितियां ये हो जा रही हैं कि भक्ति काल के उपजने का कारण क्या है, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में कैसे भक्ति का बीज उत्पन्न होता है, कैसे भक्ति उपजती है, यहां से हम कैसे एकदम एकाएक इस गुणगान से हट करके और कहां पर हम आ जाते हैं, हम आम जनमानस की बात करने लगते हैं, हम साहित्य की जो विचारधारा चलती है वो साहित्य कैसे राज दरबार से निकल करके आम जनता की यह पहचान बनती है, अब आम जनता के दुख दर्द को यहां लिखा जाता है, आखिर क्यों, कारण क्या है। जैसे कहता है ना, बाली कहता है कारण कौन नाथ मोहि मारा, तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, यानी मैं आखिर कारण क्या है कि बाली पूछता है, श्री राम से पूछता है कि आखिर मैं जो है कारण कौन, मेरा कारण क्या है कि आप मुझे मारे हैं और मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, आखिर क्या कारण है। तो कारण तो कुछ न कुछ बनेगा, बिना कारण के तो निवारण होगा नहीं, बिना कारण के कार्य तो होगा नहीं, तो कहीं कुछ न कुछ क्या है, कारण बनता है, कुछ न कुछ कारण है। अगर कोई काल भक्ति काल से रीति काल पे हम आते हैं तो कोई न कोई कारण है रीति काल आने का, कोई न कोई कारण है इस नामकरण करने का, नहीं तो भक्ति काल ही नाम होता। हम रीति काल से आधुनिक काल की तरफ आते हैं तो आखिर कौन ऐसी परिस्थिति आई कि रीति काल हम छोड़ देते हैं, हम रीति काल कहते हैं अब ये रीति काल नहीं है, अब ये आधुनिक काल है, कोई ना कोई कारण तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना कारण के ही यह नाम परिवर्तित, जिसका मर्जी हुआ उसको मर्जी रख दिया,
और हम पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो भाई अगर भक्ति काल रखा गया है, अगर रीति काल रखा गया है, विद्वानों ने इसको रीति काल माना है, तो यहां पर रीति काल से माधुनिक काल आ गए तो कारण कौन है ये जानना चाहिए। जैसे बाली पूछता है तो आपको यहां पर इन कारणों की जब मूल जड़ पता हो जाएगी तो संभवतः भक्ति काल आसान हो जाएगा समझने में। यहां पर वही जब ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है तो अब क्या है, हमारे मंदिर और मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, हमारे जो हमारी हमारी यशोगान हो, हमारा यशोगान हो रहा है, हम राजा हैं और हमारे ही सामने वही जनता हमारी जय जयकार कर रही है, हम राजा बने हुए हैं, अब रजवाड़े हमारे हैं, तमाम रियासतें हैं, अब ये क्या हो रहा, जो छोटे छोटे राज्य बनाए हुए हैं सब पर प्रहार होने लगा। और जब सब पर प्रहार होने लगा है, सबके सामने आप ही को नेस्तनाबूत कर दिया जा रहा है, आप ही की इज्जत और प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी जा रही है, अब आप जाएंगे कहां, तो आपकी जो भी फॉलोवर रहेंगे वह क्या है, वह हतोत्साहित हो जाएंगे। वो क्या है, वह जो है अब ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई अगर बड़े आदमी हैं, जब आप ही के ऊपर प्रहार कर दिया जाए तो आपके जितने फॉलोअर हैं तो यही कहेंगे जब इनकी ये दशा हो गई तो अब हम किस खेत की मूली हैं। तो जितने भी रजवाड़े थे, जितने भी छोटे छोटे सामंत थे, वो सब सामंतों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, अब वो प्रशंसा के योग्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनकी इज्जत एकदम धूल में धूल धूसरित कर दी जा रही है, मिट्टी में मिला दी जा रही है। तो अब वो जो है कैसे अपनी प्रशंसा का गुणगान कर सकते हैं, तो अब क्या बचेगा, या तो आपके पास, या तो आप भक्ति की अवधारणा में चलेंगे, या तो आप भगवान के शरण में जाएंगे, और या तो आप कहीं और विचलित सब कुछ छोड़ देंगे, छोड़ करके चले जाएंगे। तो यह परिस्थिति बनी, और उसी परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे भक्त कवि उभर कर से सामने आए। इसी में आपको बहुत सारे ऐसे संत उभर कर सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त कवि उभर करके सामने आते हैं, जिसमें आप जो भी भक्ति की परंपरा को देखते हैं, चाहे सूर देखिए, चाहे तुलसी देखिए, चाहे अग्रदास देखिए, चाहे कबीर देखिए, चाहे नानक देखिए, चाहे रैदास देखिए, चाहे अक्षर अनन्य देखिए, या आपको ईश्वरदास देखिए, जितने भी आप पाएंगे वो सारे भक्त की अवधारणा या तो राम भक्ति शाखा से पाएंगे, या तो कृष्ण भक्ति शाखा से पाएंगे, या तो निर्गुण की अवधारणा से पाएंगे, या तो ज्ञान आश्रय आप पे आ जाएंगे, ज्ञान की विचारधाराओं से वो संबोधित करेंगे, या तो प्रेम की विचारधारा को, इस हकीकी इस मजाजियत को वो समझाएंगे, यानी सूफी परंपराओं में चले जाएंगे, तो इसमें आप पाएंगे। आपको कहीं न कहीं अब हमारा ये भक्ति काल का उदय हो रहा है। ग्रियर्सन भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। कारण ये है कि अब अगर भक्ति काल नहीं कहा जाएगा तो कहा कब जाएगा, क्योंकि इतने भक्त कवि, इतने भक्त संत तो अभी तक कहीं नहीं मिले हैं जिसको हम कह सकते हैं। इसलिए यह नाम अब जो है, जो हमारा आदिकाल से विमुख हो रहे हैं, तो हम भक्ति काल की अवधारणा में आ रहे हैं, और रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम रखा, यानी 1375 से लेकर के 1700 के बीच को हम भक्ति काल कहते हैं। आप ये देखिए, अगर माइनस इसको 57 कर देते हैं, यहीं पर माइनस आप 57 कर लीजिए, माइनस 57 कर लीजिए, यही तो हो जाएगा ना, तो 57 कटेंगे, 15 में से 7 जा 8, यही करेंगे, यहां बचेगा 6 में से 5 जा 1, यानी हो जाएगा 1318। ये क्या निकल गया, इस भी निकल गया। ये कार्यकाल लगभग जो है यहां से किसका प्रारंभ होता है, अगर हम ये कहें कि यह कार्यकाल किसका होता है इतिहास में, तो आप ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का आगमन कब होता है, 1325 में होता है। यानी यहां मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 में क्या होता है, आगमन हो जाता है।
यानी लगभग यहां पर तुगलक वंश आते हैं, ठीक है, कार्यकाल ये तुगलक वंश का चलता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय के इर्द गिर्द ही क्या होता है, भक्तिकाल उपजती है। अगर ये भक्तिकाल उपजती है, भक्तिकाल आती है, भक्त की अवधारणा आती है, तो भक्ति का सबसे पहले उल्लेख कहां पर होता है? तो भक्ति का सबसे पहले उल्लेख आप कहां पाएंगे? वह उल्लेख पाएंगे किस उपनिषद में पाएंगे? श्वेताश्वर उपनिषद में पाएंगे। यानी कौन से उपनिषद में पाएंगे? श्वेताश्वर उपनिषद में क्या पाते हैं आप? भक्ति का उल्लेख पाते हैं, यानी श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद यानी उपनिषद, इसमें क्या पाते हैं? भक्ति का उल्लेख पाते हैं। और भक्ति किस शब्द से बना है? तो भक्ति जो है ये भज धातु से बना है। किससे? भज धातु से बना है। धातु क्या होती है? ये मूल रूप होता है, इसको इंग्लिश में रूट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट कहते हैं या जड़ कहते हैं। शब्द की निष्पन्नीकरण जो होती है वह किससे होता है? धातुओं से होता है। क्रियाओं का निष्पन्नीकरण धातुओं से ही होता है, यानी मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। तो भज धातु से यह निकला हुआ भक्ति है, भज धातु। और भज का अर्थ क्या होता है? भजना होता है। भज का अर्थ क्या होता है? भजना होता है। भज का अर्थ होता है स्मरण करना होता है। भज का अर्थ क्या होता है? स्मरण करना होता है। भज का अर्थ क्या होता है? याद करना होता है। याद करना होता है। भज का अर्थ रम जाना होता है। रम जाना ये होता है, यानी हम क्या करते हैं? अपनी इष्ट में रम जाते हैं, अपनी इष्ट को याद करते हैं, अपने देवता को याद करते हैं, अपनी देवी को याद करते हैं, और उन्हीं से हम फरियाद करते हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं, उन्हीं से अपने दुख दर्द को बांटते हैं, उन्हीं से अपने सुख दुख को बांटते हैं। तो ये क्या है? इस भज धातु से यह क्या हुआ? भजना यानी स्मरण करना, और भज से ही भक्ति का उल्लेख यहां पर आता है। तो हम यहां पर सुमिरन कर रहे हैं, अपने इष्ट की सुमिरन कर रहे हैं, अपने देवी देवता की सुमिरन कर रहे हैं। तो अब जब सुमिरन हम करने लग रहे हैं, और करने के पीछे आपको स्थिति बता दिए कि अब हमारी स्थितियां क्या हो रही हैं, अब विपरीत हो रही हैं आपको। तो यहां अगर मैं ये कहूं कि जनता जो है, अब लोगों के हित की बात यहां, जनता की बातों को लिखा जा रहा है भक्ति काल में। अब यहां जो राज दरबार से वो निकल करके हम कहां आ रहे हैं? आम जनमानस के बीच आ रहे हैं। साहित्य कहां आ रहा है? आम जनमानस के बीच में आ रहा है। तो इसको विविध मत होते हैं। अच्छा, यूं ही नहीं, ये नहीं है कि आप जो है मैंने कह दिया और आपने सुन लिया और मान लिया। आदिकाल से भक्ति काल पर जब ट्रांसफर हो रहे हैं, जो मैंने बात बताई वह एक ही नहीं, अनेक विद्वान कर रहे हैं, और ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है। विद्वानों के स्टेटमेंट क्या है? पूछे भी जाते हैं कि किसने भक्ति काल के संदर्भ में क्या क्या कहा है, कैसे उत्पन्न हुआ है। तो इसके विविध मत होते हैं, विविध आयाम होते हैं, ये कहे जाते हैं। उसमें आपको मैं बड़ा ही अनेकों बार ये पूछा गया, ये स्टेटमेंट है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। और रामचंद्र शुक्ल जान लीजिए कि हिंदी साहित्य की अवधारणा में एक ऐसे मानक हैं कि इनसे कुछ अछूता नहीं रहा है, कहीं पर कम तो कहीं पर बहुत ज्यादा। अगर भक्ति काल की पूरी अवधारणा पढ़ना है तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिएगा। जितना इन्होंने जबरदस्त भक्ति काल लिखा है उतना और सब नहीं लिखे हैं, आदिकाल नहीं लिखे हैं। रीतकाल इन्होंने बहुत अच्छा नहीं लिखा है, आधुनिक काल बहुत अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल को इसलिए पढ़ना है कि अगर नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो नया क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल को रामचरितमानस उनके हिंदी साहित्य को मान करके आपको पढ़ना है,
ये काम आपको करना पड़ेगा, यानी इस पुस्तक को आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी पुस्तकों का हम आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में हम चर्चाएं करते रहेंगे कि आपको क्या करना है। इसके साथ साथ हमारे नोट्स तो आपके साथ हैं ही हैं। तो यहां पर जो है, मैं भक्ति काल के संदर्भ में कहते हैं कि आखिर भक्ति काल उपजा कैसे। तो यहां पर कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, भक्ति काल का प्रकटन निराशा की देन एवं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। कह रहे हैं भक्ति काल जो उपज रहा है ये निराशा की देन है, और क्या है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। जो मैंने बताया कि इस्लाम अब यहां पर स्थापित हो रहा है, यानी बात सही है कि एक तो हम निराश हो रहे हैं, हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है, दूसरे क्या हो गया, इस्लाम धर्म यहां पर क्या है, इस्लामी आक्रमण प्रक्रिया हो रही है और यहां पर स्थापित हो रहा है भारतीय परिवेश में। तो इसलिए क्या है, ये भक्ति काल का उपजन, यानी यहां पर भक्ति काल आ रहा है। यहां इन्होंने बड़ा, इनका एक बड़ा लंबा स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट को पूरा है, ये है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया, वह अवकाश न रह गया, उनके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। जितने भी पूज्य पुरुष थे उनका क्या होता था, अपमान होता था, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न ही वो गा सकते थे और न ही वह किसी को सुना सकते थे और न ही कोई सुन सकता था। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए, स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी ही छाई रही। ये पूरा स्टेटमेंट है उनका, और पुनः लास्ट का जो स्टेटमेंट है वह अभी अनेकों बार पूछा गया है। क्या इसी स्टेटमेंट, ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूं, इसी का यह भाग है, अपने पौरुष से हताश जात के लिए, अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, अब हमारे पास दूसरा मार्ग ही क्या बचा हुआ है, यानी हमारे पास कोई मार्ग बचा हुआ नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा ही विस्तृत भक्ति काल की अवधारणा को इन्होंने क्या किया है, विभाजन किया है। अगर रामचंद्र शुक्ल जान लिए हैं तो रामचंद्र शुक्ल देखिए, रामचंद्र शुक्ल का अगर कोई काट किया है, रामचंद्र शुक्ल की अगर कोई विपरीत बात किया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही किए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी स्टेटमेंट आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं आए या ना आता, इस्लाम आता या ना आते, लेकिन भक्ति का जैसा 12 आना आज है ऐसा ही भक्ति की उदाहरण रहती। तो आप जब भी पढ़ेंगे हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो लगभग जो है यह रामचंद्र शुक्ल को अगर किसी ने, किसी की हिम्मत हुई है रामचंद्र शुक्ल को काटने की, तो वो प्रयास किए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हालांकि कुछ जगह सफल भी हुए हैं, कुछ जगह तो अब अलग अलग लेखक हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है, इनकी एक अलग महत्ता है और रामचंद्र शुक्ल की एक अलग महत्ता है। तो ये क्या है, भक्त की अवधारणा आ रही है। हालांकि बहुत सारे लोग, इरफान हबीब भी आते हैं, मुक्तिबोध भी आते हैं,
तमाम लोग क्या होते हैं, आपको इसके बारे में भक्ति के आंदोलन के उदय के पक्षों पर वो क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहां से हम भक्ति की अवधारणा यानी आदि काल से हम किस में आते हैं, भक्ति काल की अवधारणा में क्या कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। और इसको बड़ा यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वनस्पत आदि काल की अपेक्षा। तो यहां से आपको डिटेल से पढ़ना तो इसको भी डिटेल से है, लेकिन यहां से लेवल आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से कम रहते हैं, और यहां पर 15 से 20 क्वेश्चंस लगभग भक्ति काल से आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद अगर भक्ति काल से अब हम रीति काल पर चलते हैं, रीति काल से हम आधुनिक काल पर चलते हैं, तो धीरे धीरे परिवर्तन का अलग अलग कुछ न कुछ कारण है, और उस कारण पर ही हम क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं कारण, तब जाकर के हमारा निवारण आसान हो जाता है। और एक एक करके कौन कौन से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, इनको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम भक्ति काल की उदाहरण थोड़ा सा आपको समझाना चाहे। अब आगे जो है इसके नेक्स्ट कभी अगर हमारी बात होगी तो उस पर हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, या किसी अन्य बिंदुओं पर जो आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर वीडियो बननी चाहिए, तो निश्चित तौर पे उस पर वीडियो बना करके हम बीच बीच में आपको प्रेषित करते रहेंगे, या कभी भी प्रेषित करते रहेंगे जब भी आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक मेरा बहुत कमजोर है और इस पर मगर वीडियो मिल जाता तो निश्चित तौर पर उस पर हम काम करके आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और अब ये चाहता हूं, आज के लिए इजाजत चाहता हूं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। इतना अंत में जरूर कहूंगा कि अब समय नहीं है, होली दिवाली समय नहीं है, अब सारी होली और सारी दिवाली अब जो है आप अपने पूरे उस होली का उमंग घर जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर मत जाइए, अब तो घर होंगे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो होली को एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, और ये मानकर चलिए कि आपको 2-3-4 महीने ही मिलने वाले हैं। यानी आपको ये मानकर चलिए कि जुलाई के पहले एग्जाम हो ही जाएगा, आपको डेट आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब डेट है, डेट बहुत जल्दी वो दे देंगे, जब भी देंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, लेकिन आप पढ़िए और आगे बढ़िए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को स्वर्णमयी बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद।